आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स के बीच का एलिमिनेटर मुकाबला 22 मई अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। जिस तरह से 18 मई की रात सबसे ज्यादा अहम थी, वैसे ही अजय 22 मई मुझे लगता है काफी ज्यादा अहम होने वाला है। क्यों 21 मई, 22 मई, 24 और 26 सब अहम है? नहीं, लेकिन मेरे लिए 22 मई अहम है क्योंकि मैं आरसीबी को चाहती हूँ, क्योंकि कल भी देखिए सबकी नजर जो है ना वो सबसे पहले आरसीबी के टीम पर टिकी रहेगी कि बस आरसीबी ये मुकाबला जीत जाए। हालांकि दोनों टीम कल भिड़ेंगी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और दोनों में से जो टीम हारेगी वो तो बाहर हो ही जाएगी, लेकिन जो टीम जीतेगी वो उसके बाद क्वालिफायर राउंड में जा करके अगेन दूसरी टीम से जा करके वो भिड़ेगी। अजय, सबसे पहले आपसे पूछती हूँ, दोनों में से किसे सपोर्ट कर रहे हैं? आरसीबी। आरसीबी सपोर्ट ऐसा आपको लगता होगा? आप राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट? मैं इस वीडियो में क्यों बताऊं, ये वीडियो हमारा वो है ही नहीं, ये वीडियो तो है ही नहीं। बट स्टिल आपको बताना चाहिए ना आप किसे सपोर्ट कर रहे हो, आज से कितने लोग इंतजार कर रहे हो। जब मुंबई इंडियंस बाहर होती है ना, जब भी मुंबई इंडियंस बाहर होती है तब मैं आरसीबी को ही सपोर्ट करता हूँ, ठीक है? तो आगे से आप याद रखिएगा कि अगर मुंबई इंडियंस बाहर हो गई है तो फिर आरसीबी, क्योंकि विराट कोहली के हाथों में ट्रॉफी देखना जो जैसे करोड़ों लोगों का सपना है, वैसे मेरा भी सपना है। तो नो डाउट यहाँ पे, हालांकि संजू सैमसन भी बहुत पसंद है, राजस्थान रॉयल्स की टीम भी काफी अच्छी लगती है, बट देन यहाँ पे बस मैं यही सोचता हूँ कि भाई राजस्थान ने भी एक ट्रॉफी जीत लिया है, केकेआर ने जीत लिया है, सनराइजर्स हैदराबाद ने जीत लिया है, तो ऐसे में आरसीबी का जीतना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो में अब तो किसको कौन सी टीम सपोर्ट, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन सी टीम को, वो भी हमने बता ही दिया। अब बताते हैं आपको दोनों ही टीमों के बीच के जो प्लेयर्स हैं उनको लेकर हमने क्या फैंटेसी टीम बनाई है। कुल एक दो नहीं बल्कि चार फैंटेसी टीम आपको बताएंगे, लेकिन फैंटेसी टीम पर नजर डाले उससे पहले बताते हैं थोड़े आपको आंकड़े या जानकारी कह लीजिए जो निर्भर करेगा, जिसके ऊपर आप रिलाई करके अपनी टीम बना सकते हो, जैसे पिच रिपोर्ट क्या कहती है। तो भाई 22 मई 2024 को आईपीएल 2024 का एलिमिनेटर खेला जाएगा आरसीबी और आरआर के बीच में, और ये मैच खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और इस मुकाबले के लिए जो पिच रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक बल्लेबाजों का यहाँ बोलबाला रहने वाला है, तो बल्लेबाजों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, काली मिट्टी की पिच है लिहाजा यहाँ पर स्पिनर्स के लिए रन रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चौके छक्कों के अलावा भी रनों की जो गति है वो बह सकती है, क्योंकि दो फील्डर के बीच में गैप होगा और उस गैप का फायदा बल्लेबाज उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते कि भाई कौन सी टीम हमने बनाई है, लेकिन टीम बताने से पहले ना एक और चीज बता देता हूँ, मेरा मन कर रहा है हेड टू हेड आंकड़े बता देता हूँ, क्योंकि हेड टू हेड आंकड़े वैसे तो हम हर वीडियो में लगभग आपको बताते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में हेड टू हेड आंकड़े इसलिए बता रहे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है नंदिनी। आईपीएल 2022 का क्वालिफायर टू याद करिए, कौन सी दो टीमें थी क्वालिफायर टू? आरसीबी और आरआर ही थी, है ना? और भाई उस मुकाबले में आरआर ने आरसीबी को हराया और बाहर कर दिया और फाइनल पहुंच गई थी आरआर, तो भाई आरआर जो है फाइनल में पहुंच गई थी। तो लिहाजा इस मुकाबले में आरसीबी आरआर में जीतना चाहेगी, और खैर हम भी सपोर्ट कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि भाई आरसीबी जो है मुकाबला जीत जाएगी, चांसेस बहुत ज्यादा है। तो चलिए शुरू करते हैं टीम नंबर चार से कि टीम नंबर चार में कौन कौन से प्लेयर्स हमने रखे हुए हैं। नंदिनी आप बताएं या मैं बताऊं? मैं बताती हूँ, चलिए बताइए जी। टीम नंबर चार की अगर बात करूं तो विकेट कीपर में संजू सैमसन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो कि कैप्टन है, बैटर्स में विराट कोहली है, रजत पाटीदार है वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल और रोमन पोवेल को हमने यहाँ पे रख दिया है, ऑलराउंडर में रियान पराग, ग्लैन मैक्सवेल है, बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट है, मोहम्मद सिराज है, आंद्रे बर्गर है और कर्ण शर्मा है। बिल्कुल, तो देखिए ये टीम नंबर चार है जिसमें कप्तान संजू सैमसन है, आरआर की तरफ से सबसे कंसिस्टेंट अगर कोई बल्लेबाज है तो दो नाम है, एक है संजू सैमसन और दूसरे है रियान पराग, जो कि आपको दोनों यहाँ पे इस टीम में दिख रहे हैं। और संजू सैमसन को कप्तान बना दिया हमने क्योंकि बड़े मैच के प्लेयर संजू सैमसन कंसिडर आईपीएल में, ऑफकोर्स जब जब बड़ा मुकाबला रहता है तो संजू सैमसन का बल्ला चलता है और आप डिपेंड कर सकते हो, कप्तान भी है ना, टीम के कप्तान भी है वो, तो इस टीम के भी कप्तान है वो। बाकी विराट कोहली इस टीम में है, रजत पाटीदार है, ये दोनों ही आरसीबी के लिए बहुत शानदार फॉर्म में है, विराट कोहली 700 से ज़्यादा रन लगा चुके हैं, रजत पाटीदार 6 50 6 5 6 मतलब कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार अर्धशतक लगा रहे, पिछले मुकाबले में अर्धशतक से चूक गए थे और अपने घर के बाहर आरसीबी का जो होम ग्राउंड है चिन्नस्वामी स्टेडियम उसके बाहर पिछले 4 या 5 मुकाबलों में 50 का आंकड़ा इन्होंने पार किया, और ये मुकाबला कहाँ खेला जा रहा है नंदिनी? अहमदाबाद में, जो कि आरसीबी का घर नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई
50 ये लगाएंगे कम से कम, क्योंकि उस स्ट्रीक को ये तोड़ना नहीं चाहेंगे। यशस्वी जायसवाल को हमने इस टीम में रखा हुआ है, रोमन पॉवेल को हमने रखा है। यशस्वी जायसवाल का बल्ला चलना बेहद जरूरी है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का बल्ला इसलिए भी चलना जरूरी है, आरआर की टीम के लिए तो जरूरी है ही, क्योंकि इस मुकाबले को जीतकर क्वालिफाइड टू में पहुंचेगी टीम, तो वहीं टीम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में बड़ी पारी खेल रहे हैं। आप कह सकते हो कि भाई ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं इस टीम के, अगर आप चाहो तो अदला बदली कर सकते हो कैप्टन यशस्वी जायसवाल को भी इस टीम में आप बना सकते हो। रोमन पॉवेल को ले लीजिए, रोमन पॉवेल ने इस सीजन कई मुकाबलों में परेशान किया है आरआर को, लेकिन इस मुकाबले में मुझे लग रहा है रोमन पॉवेल का बल्ला चलेगा। रियान पराग के लिए कहना मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है, क्योंकि रियान पराग जो है कंसिस्टेंटली बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, बहुत शानदार फॉर्म में, और पिछले दो मुकाबलों से लगातार जो है बल्लेबाजी अच्छी करके आ रहे हैं। ग्लेन मैक्सवेल पिछले मैच में ज्यादा रन इन्होंने लगाए नहीं थे, चार गेंदों की इनकी पारी थी, पांचवी गेंद पर आउट हो गए थे, 15-16 रन लगा दिए थे, 12-15 कुछ ऐसे रन लगा दिए थे, प्लस एक विकेट इन्होंने ले लिया था वो भी पहली गेंद पर। तो ऐसे ही कोई योगदान वो देंगे, ऐसा ही कुछ योगदान देंगे और आपको मालामाल कर सकते हैं। गेंदबाजों में ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद सिराज, नांद्रे बर्गर को आप ले लीजिए और करण शर्मा को लीजिए। करण शर्मा जो है अगर मैच बैटिंग में थोड़ा अगर फंसता है, कुछ रन अगर चाहिए, तो वहाँ पर आप इन पर भरोसा कर सकते हो। इन पर आप शायद एक बार को भरोसा ना भी करो, लेकिन करण शर्मा पर आप भरोसा कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं टीम नंबर तीन। जी, टीम नंबर तीन में विकेट कीपर में संजू सैमसन है, विराट कोहली को हमने यहाँ पे कप्तान बना दिया है, रजत पाटीदार है, यशस्वी जायसवाल यहाँ पे वाइस कैप्टन बने हुए हैं, रियान पराग है ऑलराउंडर में, कैमरन ग्रीन है, अश्विन को हमने यहाँ पे लिया हुआ है, बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट आ गए हैं, संदीप शर्मा है, मोहम्मद सिराज है और यश दयाल यहाँ पे। भाई देखिए, संजू सैमसन, रजत पाटीदार, विराट कोहली, रियान पराग ये सब, और ट्रेंट बोल्ट हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है ना, तो इन पे टिक कर लेते हैं। हमने जिन जिन पर अभी बात की है पिछली टीम में, जो हमने इन पर भी हमने बात कर ली और इन पर भी हमने बात कर ली। अब जो नए नए प्लेयर्स इस टीम में आपको नजर आ रहे हैं उन पर देख लेते हैं। कैमरन ग्रीन पिछले मैच में क्या किया था, बल्लेबाजी में अच्छा योगदान था, टाइट गेंदबाजी भी की थी, तो कैमरन ग्रीन आपको गेंद बल्ले दोनों ही डिपार्टमेंट में, और भाई इस वक्त ग्लेन मैक्सवेल और कैमरन ग्रीन, ये दो विदेशी प्लेयर ऐसे हैं आरसीबी के पास जिन पर आरसीबी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। विराट कोहली टॉप पे रन बना रहे, हाँ। नंबर तीन पर रजत पाटीदार रन बना रहे, ग्लेन मैक्सवेल फाफ डुप्लेसिस का बल्ला चले ना, नाम भूल जा रहा था मैं, बताओ यार, टीम का कप्तान है और नाम स्लिप हो गया दिमाग से, फाफ डुप्लेसिस का बल्ला उतना चल नहीं रहा है, चल रहा है मतलब ऑन एंड ऑफ है हिसाब किताब, तो कैमरन ग्रीन और बचा ग्लेन मैक्सवेल। बाकी आप आर अश्विन को ले लीजिए, आर अश्विन जो है राजस्थान रॉयल्स के लिए गेंद और बल्ले दोनों ही डिपार्टमेंट में अच्छा योगदान देंगे, तो लिहाजा आपको ये मालामाल कर सकते हैं। संदीप शर्मा बड़े मैच के गेंदबाज हैं और इन पर आप नजर रखिएगा इस मैच में, और यश दयाल भाई ये तो सितारा है भाई, इनके वो सर के ऊपर क्राउन बना देता हूं मैं, तो भाई ये सितारा बॉलर है, स्टार बॉलर है। पिछले मैच में 17 रन डिफेंड करने थे, सामने महेंद्र सिंह धोनी थे, नॉन स्ट्राइकर एंड पर रविंद्र जडेजा थे, पहली गेंद पर सिक्स खाते हैं, उसके बाद सिर्फ एक रन देते हैं और रविंद्र जडेजा को अंतिम दो गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी और यश दयाल ने बॉल तक कनेक्ट नहीं होने दी। ठीक है भाई, वो चौका लगा नहीं लगा दैट इज समथिंग एल्स, बॉल तक कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, तो फिर भाई आप इन्हें कैसे मिस कर सकते हो अपनी टीम में। आगे बढ़ते टीम नंबर टू की तरफ। जी, टीम नंबर टू में विकेट कीपर में यहाँ पे कप्तान संजू सैमसन है, बैटर्स में विराट कोहली को हमने यहाँ पे वाइस कैप्टन बना दिया है, फाफ डुप्लेसिस है, यशस्वी जायसवाल है, रियान पराग आ गए हैं, कैमरन ग्रीन आ गए हैं, ग्लेन मैक्सवेल है, और बॉलर्स में अगेन ट्रेंट बोल्ट है, संदीप शर्मा है, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। बॉलर्स में चेंज, बॉलर सेम है, पिछली टीम जो थी उसमें बॉलर्स यही थे, यहाँ पर रजत पाटीदार की जगह फाफ डुप्लेसिस आ गए आरसीबी के कप्तान, और इस मैच में मुझे पूरी उम्मीद है कि फाफ डुप्लेसिस का बल्ला चलेगा। वो इसलिए भी उम्मीद है क्योंकि बड़े मैच के प्लेयर होते हैं ये, ऐसे बल्लेबाज जो होते हैं फाफ डुप्लेसिस जैसे, विराट कोहली हो गए, संजू सैमसन हो गए, आप गेंदबाजों में देखो ट्रेंट बोल्ट पर आप बड़े मैचों में भरोसा कर सकते हो, संदीप शर्मा जैसे गेंदबाजों पर आप भरोसा कर सकते हो, मियाँ भाई सिराज पर आप नजर रखिएगा, सिराज जो है इस सीजन कहा जाता है कि भाई कुछ मुकाबले ऐसे खेलते हैं मोहम्मद सिराज जो यादगार होती है, इस सीजन ऐसा कोई यादगार स्पेल तो उन्होंने डाला नहीं, तो इस मुकाबले में हो सकता है वो यादगार स्पेल डाले। बाकी आप यशस्वी जायसवाल को रखिए, हमने लगातार पिछले तीनों टीम में यशस्वी जायसवाल को रखा है, विराट कोहली है, संजू सैमसन है, रियान पराग, लगातार ये कुछ नाम है जिन पर आप नजर रखिएगा, जैसे यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, विराट कोहली, रियान पराग, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा, ये कुछ नाम है जो आपको पिछले तीनों
टीम में दिखे हैं, तो निश्चित तौर पर ये बड़े प्लेयर हैं, बड़े नाम हैं, बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े मैच, और ये बड़ा मैच है, ये मैच इससे बड़ा कोई मैच हो नहीं सकता। आप एलिमिनेटर खेल रहे हो, हारने वाली टीम सीधा घर को जाएगी और जीतने वाली टीम कहाँ जाएगी? चेन्नई जाएगी। तो चेन्नई में खेला जाएगा भाई क्वालिफायर टू और फाइनल मुकाबला। अब देखते हैं टीम नंबर वन। अब मैं चाहूंगा नंदिनी आप टीम नंबर वन बताइए। टीम नंबर वन में देखिए आपको कुछ कुछ चेहरे नए दिख रहे होंगे। विकेट कीपर में यहाँ पे संजू सैमसन तो है ही, वाइस कैप्टन है। दिनेश कार्तिक यहाँ पे आ गए हैं, विराट कोहली यहाँ पे कैप्टन है, फाफ डुप्लेसिस आ गए हैं, रजत पाटीदार है, कोहलर को हमने यहाँ पे ले लिया है, बॉलर्स में रियान पराग, सॉरी ऑलराउंडर में रियान पराग, कैमरन ग्रीन है, ग्लैन मैक्सवेल है और बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट और मोहम्मद सिराज को ही लिया हुआ। अभी देखिए टीम नंबर वन है यानी सबसे बेस्ट टीम। हमने आपको हमेशा हमारी हर वीडियो में लगभग बताया है कि भाई जो बेस्ट टीम होगी टीम नंबर वन, वो आपको एंड में दिखाएंगे। अब टीम नंबर वन में आप देखिए क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि भाई बॉलर्स जो है वो सिर्फ दो लिए हैं हमने। वो क्यों लिए? क्योंकि अगर वीडियो की शुरुआत में आपने ध्यान दिया हो तो हमने कहा था कि भाई पिच रिपोर्ट ये कह रही है कि यहाँ पर गेंदबाजों के लिए वैसा कुछ खास मदद है नहीं, बल्लेबाज यहाँ पर रन बनाएंगे। और ये दो नाम अगर आप छोड़ दो तो बाकी ये जितने नौ नाम है, ये नौ के नौ नाम जो है ये बल्लेबाजी ऑप्शन है। संजू सैमसन वाइस कैप्टन हमने लिया है, विराट कोहली को कैप्टन बना दिया है, यहां आप अदला बदली भी कर सकते हो, आप चाहो तो रजत पाटीदार पर भी दाव लगा सकते हो, दिनेश कार्तिक को आप ले लीजिए। दिनेश कार्तिक इस मैच में मुझे लग रहा है करके कि भाई अच्छी बल्लेबाजी करने वाले हैं। रजत पाटीदार कंसिस्टेंटली आरसीबी के लिए बल्लेबाजी करे, पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, उससे पिछले मैच में भी, उससे पिछले मैच में भी, उससे मतलब जो छह मैच कंटिन्यू आरसीबी जीत रही है उसके जीत की जो एक बहुत बड़ी वजह रजत पाटीदार भी है, विराट कोहली जीत की बहुत बड़ी वजह है, विल जैक्स जीत की बहुत बड़ी वजह थे, लेकिन वो जा चुके हैं। तो ऐसे में रजत पाटीदार पर बहुत ज्यादा टीम जो है निर्भर करेगी। कोलर कैडमोर जॉर्ज बटलर की जगह आरआर के नए ओपनर है यशस्वी जायसवाल के साथ ये ओपनिंग करते हुए आपको नजर आने वाले। बाकी कैमरन ग्रीन, रियान पराग और ग्लेन मैक्सवेल के बारे में हमने आपको बता रखा है कि भाई ये तीनों जो है गेंद और बल्ले दोनों ही डिपार्टमेंट में योगदान देंगे और आपको मालामाल करने का काम करेंगे। ट्रेंट बोल्ट, मोहम्मद सिराज, ट्रेंट बोल्ट बड़े मैच के प्लेयर है, बड़े मैच के गेंदबाज है और इससे बड़ा कोई मैच नहीं हो सकता। ऐसे में हम राजस्थान रॉयल्स के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में, लगभग चारों टीम में हमने रखा हुआ है और इसीलिए रखा है क्योंकि भाई इनसे बड़ा कोई बॉलर नहीं है। इस मैच में भी अगर आप दोनों टीम को कंपेयर करोगे तो जो गेंदबाज दोनों टीमों में है उनमें ट्रेंट बोल्ट से बड़ा कोई नाम नहीं है और मोहम्मद सिराज का एग्रेशन भी इस मैच में हमें देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे गेंदबाज है, ये सीजन वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा गया नहीं है तो भाई जाते जाते ही सही, लेकिन एक अच्छी गेंदबाजी वाली स्पेल हमें इनकी तरफ से देखने को मिलेगी। और जैसा कि हमने आपके सामने चार टीमें रखी, आप अपनी पसंद की टीम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही आपने कौन सी अपनी टीम बनाई है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में, अजय को नीचे कमेंट सेक्शन में, दोनों को टैग करके अपनी टीम बता सकते हैं।